हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। मेरा नाम है आदर्श और जीके जीएस की जो सीरीज़ है उसका ये नाइन्थ पार्ट है। दिस इज़ नाइन्थ वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज़। सो बिफोर वी बिगिन, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप प्रीमियम कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो जो ये नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है 9519383272, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द नाइन्थ पार्ट एंड विदाउट डिलेइंग चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ़ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट मनी बिल इज़ आर इनकरेक्ट। मनी बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है या फिर है। तो सबसे पहले हम लोग सभी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है, इट इज़ डिफाइंड इन द आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़, नो जॉइंट सिटिंग इज़ अलाउड फॉर द पैसेज ऑफ मनी बिल। मनी बिल के पारित होने के लिए किसी संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं है, तो ये भी सही है। जब भी मनी बिल पारित होना रहता है तो उसके लिए जो जॉइंट सिटिंग होती है वो नहीं बुलाई जा सकती है। ऑप्शन सी इज़, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, तो ये भी सही है, इसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन डी इज़, द स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाइज द बिल एज अ मनी बिल एंड हिज डिसीजन इज़ फाइनल। तो लोकसभा के स्पीकर जो होता है वो तय करता है कि एक जो विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, सो ऑल द ऑप्शंस ओवर हियर आर करेक्ट। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई, विच इज़ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसमें इस क्वेश्चन में मेरा थीम यही था कि मनी बिल के बारे में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकूं। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन न लेकर के मैंने एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिए हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, सलीम अली बर्ड सेंचुरी के और सलीम अली नेशनल पार्क के। तो चलिए इनको हम लोग देख लेते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम में आते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है बार बार। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है यानी पक्षी अभयारण्य, ये जब भी प्रश्न आएगा तो इसका आंसर होगा गोवा। ओके, ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में लोकेटेड है। और वहीं प्रश्न आया सलीम अली नेशनल पार्क यानी सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू पे हम लोग चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर टू है, इन विच ईयर दीन ए इलाही रिलीजन वाज स्टार्टेड। किस वर्ष में दीन ए इलाही जो था धर्म उसको शुरू किया गया या फिर शुरुआत किया गया। तो जो दीन ए इलाही था ये 1582 में अकबर के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, तो दीन ए इलाही धर्म को 1582 में अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया और उसके पहले फॉलोअर बीरबल थे। क्वेश्चन नंबर थ्री इज़, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब भारत आज़ाद हुआ यानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुचेता कृपलानी। दूसरे ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात कर लें, जे.बी. कृपलानी थे भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, जे.बी. कृपलानी जी थे। और बात करें दूसरे ऑप्शंस के बारे में, तो ये सुचेता कृपलानी है हमारे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे और इनकी किताब है एक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, काफ़ी फेमस है, एग्ज़ाम में आता भी है। ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। द क्वेश्चन नंबर फोर इज़, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज रेज्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। तो जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ यानी 1929 में हुआ था अधिवेशन लाहौर में, उसी में मांग की गई थी पूर्ण स्वतंत्रता की। जो चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव इज़, बाय हुम वॉज सातवाहना डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड। सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो ये सातवाहन वंश है इसकी स्थापना सीमुक के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन के बारे में अगर हम बात कर लें, तो चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय ने की और दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और हर्षवर्धन के काल में ही ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था वो आया था। और इनकी तीन रचनाएँ हैं, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। दामोदर रिवर, सौरव बंगाल, असल में ये निक नेम्स हैं कुछ नदियों के जो कि उनको मतलब
जैसा उनका रोल है उस क्षेत्र में उसी हिसाब से उनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ दामोदर रिवर सौरव बंगाल, ये सही है। ऑप्शन बी इज़ कोसी रिवर सौरव बिहार, कोसी रिवर को बिहार का शोक कहते हैं, ये भी सही है। और येलो या हॉन्ग हो रिवर जो है उसे सौरव ऑफ चाइना यानी कि चाइना का शोक कहते हैं। तो इनमें सारे सारे के सारे ही ऑप्शन सही हैं। सो नन ऑफ दीज इज़ रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। इसमें जितने ऑप्शन हैं सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। सो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ वाट इज़ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी क्या है। ये हिंदी में गलत लिख गया है, डेनमार्क राजधानी की डेनमार्क क्या है, ये गलत है। डेनमार्क की राजधानी क्या है तो मैं बता दूँ आप सभी को, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और दूसरे ऑप्शन के बारे में अगर हम बात कर लें तो जो ब्यूनस आयर्स है दिस इज़ कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, बर्न इज़ कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर एट इज़ डोलोमाइट इज़ एन ओर ऑफ, तो जो डोलोमाइट है ये किसका अयस्क है। तो जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट एक अयस्क है कैल्शियम का, और एल्युमिनियम का एक और होता है यानी अयस्क होता है जिसका नाम बॉक्साइट है और बहुत ही फेमस है, एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। ओके, तो इसको आप सभी लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ व्हीलर आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड लोकेटेड, जो कि व्हीलर आइलैंड है, अब अब्दुल कलाम आइलैंड इसको कर दिया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो जो ये अब्दुल कलाम आइलैंड यानी कि व्हीलर द्वीप है इसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड अब कर दिया गया है। ये उड़ीसा में स्थित है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अग्नि फाइव यानी अग्नि पाँच जो मिसाइल थी उसकी परीक्षण यहीं पे हुई थी। अगेन आई रिपीट, व्हीलर द्वीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है और इसका अब नाम बदल करके अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर टेन इज़ विच कमीशन वॉज फॉर्म्ड फॉर द न्यू फॉर्मेशन ऑफ इंडियन ट्रूप्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नए गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया। तो इस विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नए गठन के लिए पील आयोग यानी कि पील आयोग की स्थापना की गई फॉर जो ट्रूप्स थे फिर से फौज बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन हो गया, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर इलेवन। एंड द क्वेश्चन नंबर इलेवन इज़ कलरी पैट्टू इज़ अ मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट, जो कलरी पैट्टू है वो किस राज्य का मार्शल आर्ट है। तो कलरी पैट्टू इज़ अ मार्शल आर्ट ऑफ केरला। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, केरला सही आंसर हो जाएगा। जो कलरी पैट्टू है ये केरला राज्य का एक मार्शल आर्ट है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज़ विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो जो ये रतौंधी होती है ये विटामिन ए की कमी से होती है। जस्ट अ मिनट, आई एम रिजॉल्विंग दिस। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला है रिकेट्स आर कास्ट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, जो विटामिन डी है उसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ठीक है, और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कार्बिक एसिड है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है यानी केमिकल नाम है, केमिकल नेम है, वो टोकोफेराल है। एनीमिया इज कास्ट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। और स्कर्वी इज कास्ट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की अगर शरीर में कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग नामक रोग हो जाता है। और जो विटामिन बी और सी हैं ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। ओके, अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज़ विच आर द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालय इज नोन एज, यहाँ पे नोन है इसको आप मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे नोन लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ जस्ट अ मिनट। यहाँ पे नोन लिखा हुआ है, के एन ओ डब्ल्यू एन। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ द हिमालय इज नोन एज सागर माथा, तो जो ये माउंट एवरेस्ट है वो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। और जो के टू है, और के टू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यहाँ पे कुछ माउंटेन पास दिए गए हैं और उनके लोकेशन है, तो इसमें से कौन सा गलत है वो हमें बताना है। नाथुला दर्रा यानी नाथुला पास सिक्किम में है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ बोमडीला पास अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है।
और ऑप्शन सी इज़ शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। ऑप्शन डी तुजू पास, ये तुजू दर्रा जो है लेह में, दिस इज़ नॉट करेक्ट, सो दिस इज़ रॉन्ग। सो ये जो तुजू पास है, तुजू पास जो है, मैं फिर से इसको क्लीन कर देता हूँ, जो ये ऑप्शन डी है ये सही नहीं है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। और ये जो तुजू पास है दिस इज़ इन मणिपुर आई गेस, यस ये है मणिपुर में, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, दिस इज़ इन मणिपुर। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज़ नोन एज ब्लैक पगोडा, निम्न में से किस मंदिर को ब्लैक पगोडा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज़ मोधरा सन टेम्पल, ऑप्शन बी इज़ कोणार्क सन टेम्पल, ऑप्शन सी इज़ मारतंड सन टेम्पल। भारत में 3 सन टेम्पल हैं इम्पोर्ट फेमस, उसमें से कौन सा ऐसा है जो ब्लैक पगोडा नाम से जाना जाता है। तो जो ये कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल, दिस इज़ नोन एज ब्लैक पगोडा, और ये कोणार्क सन टेम्पल ये उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क सन टेम्पल इज़ इन उड़ीसा। दूसरा ऑप्शन के बारे में बात करें, मोधरा सन टेम्पल ये गुजरात में स्थित है, और मारतंड सन टेम्पल ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स हैव बीन मेड बाय प्लानिंग कमीशन सो फार, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं। तो जो अपना योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो चुका है, उसने कुल मिला करके, अगर प्रश्न आता है कहीं कितनी पंचवर्षीय योजनाएं उसने बनाई, तो कुल मिला करके उसने 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो थी प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के द्वारा बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कि कुछ खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफियाँ दी गई हैं, इसमें समय बताना है कौन सा गलत है। रामानुजन कप टेबल टेनिस सही है, रंगस्वामी कप हॉकी से रिलेटेड है ये भी सही है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, ऑलमोस्ट सभी लोग इसको जानते भी होंगे, और रोवर्स कप टेनिस दिस इज़ रॉन्ग। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी कि जो ये रोवर्स कप है दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू टेनिस, रोवर्स कप इज़ रिलेटेड विथ फुटबॉल, रोवर्स कप इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इज़ विच वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री टू इनेक्ट GST सिस्टम, भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने GST प्रणाली को लागू किया। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जो GST थी पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई को जो GST थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका सर्विसेज टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, और यह 1 जुलाई को 1 जुलाई 2017 पूरे भारत में लागू किया गया। और जो पहला स्टेट जो था जिसने इसको इनेक्ट कराया वो असम था, सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग चलते हैं और इसमें देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो जो ये संवैधानिक संशोधन 52वां हुआ था, ठीक है, 52nd, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। सो ये दिस विल बी आवर राइट आंसर, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 1985 में उसको पारित किया गया था, और 10वें शेड्यूल में, पता होगा आप लोगों को हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो उसमें 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया 10th शेड्यूल। वो स्पेलिंग मेंटेन कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून को पारित किया गया, और यह सन 1985 में किया गया। ठीक है, और यह भारतीय संविधान के 10वें शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इज़ व्हेन वाज पंचायती राज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था। तो भारत में जो पंचायती राज का प्रारंभ था दैट वाज डन इन 1959, मैं आपको उसका विस्तार बताता हूँ। ये जो पंचायती राज है सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 में दिस वॉज डन इन नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का था। ठीक है, ओके, और इट वॉज स्टार्टेड और वी कैन से इनोग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। तो चलिए अब क्वेश्चन फॉर यू यानी आपके लिए जो क्वेश्चन मैंने रखा है आज के लिए उसको देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन फॉर यू इज़ कि वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड,
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो जो भारत कला भवन है वो BHU में स्थित है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU वाराणसी में स्थित है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर भी दिया है। और इसका आंसर आप लोग जो कोई प्रश्न मैंने आज पूछा है, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को लाइक करें या ना करें मगर अपने दोस्तों तक शेयर इसे ज़रूर करें, ताकि उनको भी इसका जो है बेनिफिट मिल सके। और आप हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं BHU पाठशाला और यूनिवर्सिटी गुरुकुल, ज़रूर सब्सक्राइब करें टू गेट मोर एंड मोर एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।